नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और बुलेटिन की शुरुआत ग्वालियर से आई बड़ी खबर के साथ, जहां युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है। लाठी डंडे और पत्थर से युवक की पिटाई हुई है। आधा दर्जन लोगों ने युवक पर हमला कर दिया। एक युवती भी पत्थर से मारती नजर आई है युवक को। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ग्वालियर के माधवगंज थाना क्षेत्र का ये मामला है। ये बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां युवक की बेरहमी से पिटाई हुई है। लाठी डंडे और पत्थर से युवक को पीटा गया है। क्या कारण रहा यह अभी तक सामने नहीं आ पाया, लेकिन आधा दर्जन लोगों ने मिलकर युवक को बुरी तरह से पीट दिया। ग्वालियर का ये मामला है और जो पूरा घटनाक्रम था वो सीसीटीवी में कैद हुआ है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, कई लोग एक साथ मिलकर पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। माधवगंज का एक वीडियो वायरल हुआ, किंतु वो 8-10 दिन पुराना बताया जा रहा है और इसमें ऑलरेडी पहले से प्रकरण पंजीबद्ध है। चूँकि मारपीट जिस तरीके से हुई है उसमें अभी मेडिकल रिपोर्ट आना शेष है, तो उस रिपोर्ट के आधार पर और भी धाराओं में इजाफा हो सकता है। तस्वीरें ग्वालियर के माधवगंज थाना क्षेत्र की, जहां एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें एक युवक को बेरहमी से कुछ लोग, आधा दर्जन लोग मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं, उसकी पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कुछ महिलाएं भी हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, क्या इसके पीछे वजह रही अभी तक साफ नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। युवक के साथ बेरहमी हुई है, माधवगंज थाना क्षेत्र का मामला है ये ग्वालियर के। तो ये तस्वीरें ग्वालियर से, जहां एक युवक को बुरी तरह से पीटा गया है, आधा दर्जन लोग पिटाई कर रहे हैं। सुशील कौशिक न्यूज 18 संवाददाता ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, कब का ये वीडियो है और दूसरा क्या वजह निकल कर आई है, क्यों एक युवक को पीटा जा रहा है? देखिए, ग्वालियर के माधवगंज थाना क्षेत्र का पूरा ये मामला है। एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है, आधा दर्जन से ज्यादा लोग इस युवक को पीट रहे हैं। इनके साथ ही एक युवती भी है जो भी पत्थर से इस युवक की पिटाई कर रही है। पुलिस ने इस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि 2-3 दिन पुराना संभवतः ये वीडियो है। जो घटनाक्रम है उसमें यही नजर आ रहा है कि संभवतः किसी बात को लेकर इन दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था, उसके बाद इस युवक की पिटाई की गई है। तो अब पुलिस अपने स्तर से इस मामले में कार्रवाई करने की बात कह रही है। बिल्कुल, शुक्रिया सुशील जानकारी के लिए, धन्यवाद।